इस मॉड्यूल में हम एनिमल डाइवर्सिटी वर्टिब्रेट्स फाइलम एकाइनोडम में रिप्रेजेंटेटिव सीख कम्बर के अंदर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्री क्या है अब रेस्पिरेटरी ट्री दिस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज नॉर्मली इवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्योंकि एनिमल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल दिज एनिमल्स दे हैव टू रेस्पायर दे टेक इन ऑक्सीजन एंड दे गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो इस रेस्पेरेशन के प्रोसेस के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज द रेस्पिरेटरी ट्री अब रेस्पिरेटरी ट्री क्या है दिस इज़ यूजुअली अ आयर ऑफ ट्यूब्स जिनको हम रेस्पिरेटरी ट्री कह देंगे एंड दे आर अटैच टू द अटैच टू द रेक्टम एंड ब्रांच थ्रू आउट द बॉडी ऑफ दी कम्बर फिर इसका जो है रेक्टम इसका पंपिंग एक्शन इसके पंपिंग एक्शन से रेक्टम जो है वो सर्कुलेट करेगा वाटर को इन टू दीज रेस्पिरेटरी ट्यूब्स अब जब रेक्टम कंट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से रेक्टम डायलेट भी कर सकता है कंट्रैक्ट भी कर सकता है अब जब रेक्टम डायलेट करता है तो वाटर जो है दिस मूव्स थ्रू द एनस इन टू द रेक्टम अब जब रिलैक्स करेगा तो इसका रेक्टम जो है वो डायलेट करेगा और जब यह कंट्रैक्ट करेगा रैक्टम तो इसकी कंट्रेक्शन जो है इसके साथ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है जिसको हम कहेंगे एनल्स फिंक्टर अब एनल्स फिंकटर जो है दिस विल ओपन एंड विल फोर्स द वाटर टू एंटर इन टू द रेस्परेटरी ट्री अब वाटर की वंस इट एंटर्स द रेस्पिरेटरी ट्री इट आल्सो हैज टू लीव द रेस्पिरेटरी ट्री अब जब वैन वाटर एक्जिट्स द रेस्पिरेटरी ट्री तो इसके अंदर जो ट्री के ट्यूब्यूल्स जो हैं ट्री के अब वो कंट्रैक्ट करेंगे अब रेस्पिरेटरी गैसेस नाइट्रोजीनियस वेस दे नॉर्मली मूव बिटवीन द सिलोम एंड सी वाटर अक्रॉस दिज ट्यूब्यूल्स So this is the respiratory tree. It is present in class holothuridia of phylum echinodermata and sea urchin is the representative here. Here we can see the major structures of all the system whether it is respiratory system, whether it is muscular system and there are digestive system. Here you can see the structures which we are discussing here. These are the रेस्पैरेटरी ट्रीज अब रेस्परेटरी ट्रीज़ के साथ रिट्रैक्टर मसल्स भी हैं और लॉन्गिट्यूडल मसल्स भी हैं दिस विल डायलेट एज वेल एज वन इट विल डायलेट इट विल रिलैक्स वाटर विल एंटर एंड वैन इट कंट्रैक्ट्स तो इसका साइज स्मॉल हो जाएगा वाटर बाहर को चला जाएगा दैन दिस वाटर सर्कुलेट्स डूरिंग दिस सर्कुलेशन ऑक्सीजन इज Uh, taken by the body cells or the extra carbon dioxide uh, this diffuses into the respiratory tree so when the water moves out the body all the carbon dioxide that diffuses out and the oxygen this enters and this circulating water through this respiratory tree provides oxygen to each and every organ of the body so this is the main important structure of respiratory tree and its function that we discussed in one of the representative of class holothuridia c cucumber